हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम आपको कल्टीवेटर का परफेक्ट सेटिंग करने और चलाने दोनों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ट्रैक्टर से जुड़ी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डालता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये कुछ पार्ट्स मिस हो गया था जो कल्टीवेटर में फिट होता है, तो चलिए पहले इसको फिक्स करते हैं, देन आपको खेत में लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे कल्टीवेटर चलाते हैं या फिर कैसे कल्टीवेटर चलाना चाहिए, उसका परफेक्ट सेटिंग आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर दिखाऊं तो ये है मेरा घर। इस घर आज तक मैं दिखाया नहीं हूँ, बट आज दिखा रहा हूँ। और ये है बगान अपना, ये घेरा, ये अपना ट्रैक्टर। ये यार यहाँ पर है बोरिंग, आप देख सकते हैं मिर्ची लगा हुआ है यहाँ पर, ये आम का पेड़। आप ये जो बाड़ी देख रहे हैं इसमें 44 मतलब 44 पीस आम लगा हुआ है। तो चलिए पहले लगाते हैं इसको, देन आपको ले चलूँगा फील्ड में। हमारा जो कल्टीवेटर है वो लगभग बाहर ही रहता है, तो बच्चे लोग कुछ बदमाशी करते हैं। आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ वाला है और एक वहाँ वाला। चलिए दोनों को फिक्स करते हैं, देन आपको मैं लेके चलता हूँ। To what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated? What is wrong? What is my problem? Why can't I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head, don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. Away. तो दोस्तों मैं फाइनली पहुंच गया हूं मेरे खेत में। ये है मेरा खेत और नीचे वाला भी है, और देख सकते हैं आप थोड़ा सा इसमें उतारना है मेरे को, कैमरा में जस्टिस नहीं हो पा रहा होगा, बट आपको पास से दिखाऊं तो ये थोड़ा सा खाई टाइप से है, इसमें उतारना है और उतारने के बाद आपको फिर दिखाता हूं मैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो पे, देखते हैं इसमें कैसे उतारते हैं। सबसे पहले तो ट्रैक्टर को सीधा करना पड़ेगा इसके लिए। ये मैंने ट्रैक्टर सीधा कर लिया, एंड इसमें आप देखिएगा थोड़ा सा खतरा तो है, लेकिन ट्रैक्टर चलाते हैं तो खतरा को तो लेना ही पड़ेगा। आज का मेन टॉपिक पे बात करते हैं, कल्टीवेटर सेटिंग में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए या फिर किस तरीके से सेटिंग करके आपको प्रॉपरली कल्टीवेटर चलाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पोजीशन होता है कल्टीवेटर का, इसका सभी कल्टीवेटर मतलब सभी फार आप बोल सकते हैं, ये जो होता है इसका साइज़ सबका सेम होना चाहिए, कोई छोटा या फिर कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये मेन चीज़ है, 50% यही मायने रखता है कल्टीवेटर बढ़िया से चलने या फिर नहीं चलने में। कोई छोटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला बड़ा है, बीच में छोटा है, फिर इधर बड़ा है, तो साइड साइड वाला इधर वाला लगेगा जिधर का बड़ा है, और बीच में जो छोटा है वो लटका रहता है, वो लगता नहीं है। तो इसलिए फिर कई लोग कहते हैं क्या है कि किसको कल्टीवेटर चलाना ही नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले बेसिक चीज़ों को जानकारी देना ज़रूरी समझता हूँ। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, कल्टीवेटर आपका सब बराबर होना चाहिए, मतलब जो फार है ये वाला आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये सब समान होना चाहिए जिससे आपका जुताई एक लेवल में हो। और दूसरा चीज़ ये जो कम ज़्यादा करने का होता है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं आप मेरा कितना में एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आपको ब्रीफली बताऊं तो आगे वाला जितना गढ़ता है मतलब फ्रंट वाला जो चार ये नांगर है 1 2 3 4 इस लाइन वाला, इससे थोड़ा सा मतलब अप होना चाहिए, ऐसे मेरा कहने का मतलब ऐसे ऐसे नहीं ऐसे थोड़ा सा। अगर इसको बराबर रखोगे, ये भी बराबर रहेगा और ये भी बराबर, तो इस चीज़ का 100% मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन आगे का ज़्यादा घिसता है, आगे का आपका 20 to 30% ज़्यादा घिसेगा अगर आप बराबर इसको रखोगे, ये भी बराबर और ये भी बराबर सेम में रहेगा, तो आगे का ज़्यादा ही घिसता है, आगे का घिस जाता है
और पीछे का जो नांगर फार होता है वो बच जाता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा आप पीछे की ओर झुका के रखें। ये मान के चलिए प्लेन है तो थोड़ा सा इतना इतना आप झुका के रखें, जिससे पीछे का भी बराबर, मतलब बराबर से थोड़ा सा ज़्यादा दबाव बने पीछे और थोड़ा आगे कम बने, जिससे दोनों का नांगर है या फिर जो फार आप बोल सकते हो वो बराबर घिसे और साथ में आप चेंज कर सको। इस चीज़ को बहुत लोग नहीं समझेंगे और कई लोग बकवास या फिर इस चीज़ तरीके से कमेंट करते हैं, तो प्रैक्टिकली आप यूज करके देख लो, उसके बाद इस चीज़ को कमेंट करना। हालांकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता या फिर कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता कि देखने में पता लगेगा, लेकिन जो डेली यूज करता है, कल्टीवेटर डेली चलाता है, वो इस चीज़ को समझ सकता है। तो ये हो गया दो चीज़, पहले कल्टीवेटर मतलब जो नांगर है वो सब बराबर होना चाहिए फार, और दूसरा ये थोड़ा सा डाउन पोजीशन में होना चाहिए पीछे साइड का फार। ये हो गया दो चीज़। और छोटी छोटी बात पे भी मैं बात करूँ तो कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने इसको अभी नया लगाया है तो ये घूम जाता है या फिर कहीं टूट जाता है, तो उस कंडीशन में आप नॉर्मली दुकान में जाओगे तो एक छोटा सा इतना बड़ा लोहा का डंडी तरीके से दे देते हैं, जिसको आप लगाओगे तो ये फिट नहीं होता है। जैसे आप अभी देखोगे तो इसके और इसके बीच में या फिर इसके और इसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन उसको जो देते हैं उसको लगाओगे तो ये काफ़ी इतना का गैप बन जाता है। इससे नुकसान क्या है, जब आप चलाते हो तो ये फिक्स नहीं होता है और ऊपर नीचे होता है, जिससे आपका हाइड्रोलिक मैकेनिज्म या फिर हाइड्रोलिक जो सेटिंग है उसमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऊपर नीचे होता है तो ये कल्टीवेटर का जो वेट है वो पूरा इसी में टिकता है, और फिर कल्टीवेटर का जो मतलब इसका लिफ्टिंग कैपेसिटी होता है वो डैमेज हो सकता है। एक बार मेरा जो लोहा का पाइप होता है उधर से जो आया हुआ है आप देख सकते हैं, ये पाइप तक फट गया था, इसी वजह से ये छोटा वाला मैंने लगाया था और स्पीड चला के थोड़ा सा अचानक ब्रेक मार दिया, सामने में गड्ढा आ गया था, तो उस समय ये टूट गया, मतलब फट गया पाइप। तो आप लगा सकते हैं कितना प्रेशर उसमें रहता है। इसलिए अभी जैसे मैंने इसको मंगाया है, मैं खुद लाया हूँ, तो जब दुकान में गया तो इसको दे नहीं रहा था, वो नॉर्मली दे रहा था, तो मैं बोला उसी चीज़ को मेरे को चाहिए तो फिर ये दिया है। तो कभी भी आपका टूट जाए या फिर कुछ तो आप ये चीज़ को लगाएं। इतना हो गया पीछे से, लगभग इतना है। और जैसे मैं लीवर की बात करूं तो ये जो लीवर डाउन करके दिखाऊंगा मैं, 1 मिनट आपको, सभी नांगर बराबर लगना चाहिए। ये यहाँ का थोड़ा सा मिट्टी मतलब ज़मीन ही थोड़ा सा अप डाउन है तो उसके वजह से, लेकिन आपका जो कल्टीवेटर है वो एक साथ बैठना चाहिए, मतलब नौ जो नांगर जो फार होता है वो सभी एक साथ बैठना चाहिए जब आप लीवर को डाउन करते हो। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो जुताई का लेवल होता है वो सभी तरफ एक लेवल में और एक ही गहराई से होगा। जैसे मैंने फर्स्ट में बताया थोड़ा सा पीछे का दबाव होना चाहिए, वो अलग बात है, वो 10% वो कोई मायने नहीं रखता उतना, वो दिखाई भी नहीं पड़ेगा कि डिफरेंस है, मैं बारीकी से देखोगे तो पड़ेगा। और जैसे कोई बहुत ज़्यादा भुरभुरा मिट्टी है या फिर वो सब है या फिर वो सब चीज़ें, तो आप इस लीवर को इसको ढीला करके ऐसे यूज कर सकते हो, इसको आप सेट कर सकते हो। मेरा हाइड्रोलिक ऑयल थोड़ा सा कम हो गया है तो ये काम नहीं करेगा, इसलिए इसको मैं दिखा नहीं सकता आपको। आपको इसको जितना फिक्स करना है, मतलब ये दोनों डाउन है ना फॉर एग्जांपल, और इसको आप इतना उठा देते हो, इतना उठाने के बाद आपका कल्टीवेटर जितना उठता है उसके बाद वो मतलब ये फिक्स हो जाता है, उसके बाद इसको आप जितना चाहे नीचे करो वो उतने ही दबेगा या फिर उतने ही ऊपर में रहेगा जितना इसको आप उठा के किए हो। अगर आपको फिर से नीचे करना है तो आप इसको नीचे करिए, फिर कल्टीवेटर डाउन हो जाएगा। मतलब ये सेटिंग करना है कि आपको कल्टीवेटर को लास्ट कितना नीचे या फिर कितना ऊपर रखना है, उसके बाद इससे आप एडजस्ट कर सकते हो। और आपको लगता है कि कहीं का सही नहीं है, एक साइड ज़्यादा दबा हुआ है या फिर एक साइड ज़्यादा उठा हुआ है, तो उसके लिए ये दिया गया है नीचे, आप देख सकते हैं, इसको ऊपर उठा के आप लेफ्ट राइट घुमा सकते हो, और जिधर का उठा हुआ है उसको आप सेटिंग कर सकते हो। बाकी यहाँ पे भी दिया हुआ है, 3 छेद दिया गया है, इसको ही आप अपने ज़मीन के अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हो। बाकी यही कुछ है नॉर्मली, कभी और आपको ब्रीफली बताने का कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना, और क्या चीज़ में वीडियो बनाऊँ किस टॉपिक में उसको भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, शुक्रिया।